फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं बीएन पांडे चंद्रा क्लासेज प्रयागराज के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं और आपके लिए लेके आया हूं केंद्रीय बजट यानी कल जो आया था बजट इसके बारे में सरल शब्दों में कैसे हम बजट को समझे एक आम बोलचाल की भाषा में जो एक निरक्षर आदमी है या यूँ कहो कि एक उतना आर्थिक शब्दावलियों से परिचित न होने वाला आदमी किस तरीके से अपने बजट को समझे किस तरीके से ये जो कठिन कठिन वर्ड है इसको किस तरीके से आपको समझ में आए इसके बाद पे हम लोग चर्चा करने के लिए आपसे जुड़ेंगे तो लेट ना करते हुए जल्दी से आते हैं अपने विषय वस्तु पर विषय वस्तु आपको दिख रहा होगा ये यूनियन बजट है 2023 2024 के मुख्य बिंदु सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे 2023 2024 ये जो ईयर है ये वास्तव में है क्या तो आप लोगों ने सुना होगा एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक नॉर्मल ईयर होता है जब हम वित्तीय या वित्तीयन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए फाइनेंशियल ही होता है इसके पीछे भी रीज़न है और बजट पहले जो आता था फर्स्ट अप्रैल से उसको इस टाइम क्यों किया गया यानी एक महीने और रिड्यूस क्यों किया गया इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है ठीक है चूंकि बजट का मतलब ही होता है कि हम आने वाले वर्षों के लिए या जो हमारे पास समय है भविष्य के वर्षों के लिए हम अपने आय एवं व्यय से संदर्भ में प्लान करते हैं ठीक है हमारा आय कितना होगा और हमारा व्यय कितना होना चाहिए ठीक उसी के रिगार्डिंग उसी के संबंध में हम सारी चीज़ें करते हैं तो ये जो 2023-24 है वास्तव में ये 2023 वित्तीय वर्ष के लिए है ठीक है चूंकि 2023 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के बारे में बात किया गया है इसलिए यहाँ पर 2023-24 लिखा गया है तो आपसे साफ सारा एकदम सरल शब्दों में हालांकि आप लोग तो जानते होंगे हम ऐसे लोगों के लिए बारे में बता रहे हैं जो इस बारे में ना जानते हों तो कन्फ्यूज ही आ जाएंगे यहाँ पर ठीक है चलिए तो ट्वेंटी ट्वेंटी के बेसिक क्या क्या पॉइंट हैं किस किस मुद्दों पर हमको बात करनी है वो जाने तो आप सबसे पहले आप ये जाने कि ये जो वित्तीय केंद्रीय बजट आया है इसको कौन प्रोड्यूस करता है ठीक है तो जहां तक हम लोग को मालूम है इसको प्रोड्यूस कौन करता है फाइनेंस मिनिस्टर वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर आप लोग जानते होंगे निर्मला सीता रमण जी ठीक है अब बात आती है कि जो केंद्रीय मंत्री रही फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने किस तरीके से बजट को पेश किया ठीक है तो मुख्य मुख्य बिंदु पर जहां जहां हम अंडरलाइन करेंगे ये वीडियोस आप लोग को वहां पे भी मिल जाएगी अगर आप राइट डाउन करना चाहो तो बेहतर होगा ठीक है दरवाइज ये पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है चलो हाँ तो देखते हैं जल्दी से प्रमुख बातों के और इसके बाद हम बात करेंगे कि हम चित्र के माध्यम से ठीक है थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे वहां पे, तो उससे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी देखो ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम नौ वर्षों में दोगुनी होकर एक दशमलव नौ सात लाख रुपए हो गई है क्या कह रहा है नौ वर्षों में तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि नौ वर्षों में कितने वर्षों में दुगनी हो गई है नौ वर्षों में कितना हो गया है लगभग दो लाख रुपए या ये आए लगभग दो लाख रुपए तब भी सही है या वन पॉइंट नाइन सेवन लाख रुपए तो भी सही है आ जाइए ठीक है तो ये दोनों बात आपको समझनी चाहिए कि वास्तव में ये हुआ अच्छा नौ वर्षों में तो नौ वर्ष कब होगा यदि आप देखें तो नौ वर्ष इसके पीछे जाइए बाईस तेईस चल रहा है बाईस खत्म हो गए तेईस तो कब की बात बारे में बात कर रहा है यानी देखो नौ वर्ष यहां पे क्यों कहा गया ताकि एक टेन्योर है टेन्योर मतलब समझ रहे हो समयावधि बीजेपी के शासन करने की एक समयावधि पांच साल उधर चार साल इधर अगले साल ही तो चुनाव है ठीक है तो नौ साल के अपने रोडमैप को बता रहे हैं हर चीज के पीछे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन समझा करो ठीक है हर जगह राजनीति है ठीक है तो आर्थिक जो गतिविधि है वह 2014 के पहले की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है इसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं पहले ही यहाँ पे इन्होंने बात की अच्छा हम समीक्षा के बारे ये में ये मेन बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं कह रहा है दूसरी बात कि इंडियन इकोनॉमी का आकार साइज अच्छा साइज किस तरीके का बढ़ता है जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं बढ़ा और यह पिछले नौ साल में विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ठीक है तो यह भी मुख्य है कि विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है तो आप कहोगे भारत अपना ठीक है यहां तो दो चीजें समझ में आई याद भी करते चलो पहली चीज क्या है पर कैपिटा इनकम वृद्धि हुई पिछले नौ वर्ष में दोगुना एकदम एकदम ईजी से दूसरी बात क्या कही गई है कि पिछले नौ वर्ष में जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का साइज है ठीक है साइज वो दसवें से पांचवें स्थान पे आ गई है चलो अच्छी बात है भाई फिर कह रहा है ई पी एफ ओ एम्प्लाय ईपीएफओ ई पी एफ ओ का नाम सामने सुना होगा कल हम बात कर रहे थे ई पी एफ ओ के बारे में कि यहां पर ये जो सदस्य होते हैं सदस्यों की संख्या ई पी एफ ओ एक ऐसा माध्यम है जो रोजगार का इंडिकेटर होता है कि रोजगार कितना प्रोड्यूस किया गया एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया गया यह प्रश्न पूछ सकता है कि ई रोजगार जनरेशन का इंडिकेटर है अथवा नहीं तो आप क्या कहोगे बिल्कुल है कैसे है यह समझो ठीक है कैसे है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है यह ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है हम आपको रोजगार दिए तो हम इनरोल्ड करा लेते हैं वहां पे और कुछ आपका कंट्रीब्यूशन और कुछ गवर्नमेंट या जो नियोक्ता होता है कंपनी उसका कंट्रीब्यूशन इन दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन या 9.5 परसेंट तक की चीज़ें वहाँ पे होती हैं इनका जो इनमें से जो सबसे अधिक हो उतना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट या फिर जो एम्प्लायर जो एम्प्लॉयड करता है ठीक है एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉ होता है तो एम्प्लॉयर जो करता है वो अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉ के साथ उस पर्टिकुलर ई में डालता है ठीक है अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हो तो ई एक ही नंबर रहेगा वह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप दोगे और आपका कंट्रीब्यूशन फिर लॉग इन करके हो जाती है चीज़ें तो कहने का मतलब क्या है कि एक आपको फॉर्मल डेटा मिलता है कि हम कितना ऑर्गेनाइजेशन या हम इकोनॉमी में कितना नौकरी जनरेट कर चुके हैं ठीक है थीके? इसी के लिए ये कह रहा है कि ई में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर लगभग सत्ताईस करोड़ तक पहुँच गई है कितने करोड़ तक तो पहुँच गई है सत्ताइस करोड़ तक फैक्ट लेके आए हैं भैया ठीक है बाकी आपको जो जो समझ में आएगा हम पूरा आर्थिक बजट ही आपको प्रोवाइड कर देंगे मगर जहां से प्रश्न बनते हैं या जो हो आपको जानना चाहिए वही चीजें हम वर्ष दो में यूपीआई के माध्यम से अब यू क्या है जानते हो आप लोग हम सब यूज करते हैं आजकल तो सब्जी से लेके चाय तक और बड़े बड़े शॉप पे भी आपको यूपीआई आई मिल जाएगी जानते हो भारत पे है ना नाम सुना है सबने हा? फोन पे हाँ मगर इंडिया की यूपीआई क्या है भारत पे ऑफिशियल है ना भारत पे तो ये यूपी अच्छा यूपीआई क्या होता है समझते हो यूनिक पेमेंट अच्छा ट्रांसफर कहाँ से आ गया हाँ ऑफ इंडिया कैसे आ जाएगा यूपीआई का मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग थोड़ा टेंटेटिव रहा करो यूज करते हो वहाँ पे नहीं है ऑप्शन में क्या? अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया तो अगर ऐसे ही कोई पूछ दिया तो <laughs> इंसल की बात है ना आज हम लेट क्लास लिए क्या आप लोग लेट आए चलो यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस लिख ले भाई कुछ चीजें ऐसी होती याद नहीं होती ताकि कल भी बताया था और आज भी जल्दी से लिख लिया करो और फिर आगे बढ़ा करो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक सिस्टम होता है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट को क्या करता है एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूनिफाइड इंटरफेस इंटरफेस ये टर्म कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है लिख दू देखो यूनिफाइड ये पेमेंट्स इंटरफेस एफ ठीक है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेड यूनिफाइड का मतलब क्या होता है कि सबको एक साथ जोड़ दो पेमेंट्स पेमेंट payment करने के माध्यम को इंटरफेस यानी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि अलग अलग बैंकों की जो भी चीजें आएंगी एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी और वो पेमेंट का ट्रांसफर होता रहेगा क्लियर है पहले क्या था अगर हमको कहीं भी पैसा भेजना था तो उस बैंक का अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक का अकाउंट में आपको पैसे भेजने पहले ऐसा था आज क्या है आज बारकोड स्कैन करो चाहे आपका सा अकाउंट हो चाहे सामने वाले बंदे का जौन सा बैंकिंग सिस्टम को वो अप्लाई कर रहा है चला जाता है किसके माध्यम से यूपीआई के माध्यम से समझ सुनवाई बात यही यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से एक सौ छब्बीस लाख करोड़ रुपए के चौहत्तर सौ करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं चौहत्तर सौ करोड़ पैसा नहीं है करोड़ मतलब चौहत्तर सौ करोड़ यानी चौहत्तर सौ बार ठीक है कितने एक सौ छब्बीस लाख करोड़ के अब देखो डिजिटल भुगतान करने से कितने लाभ डिजिटल भुगतान यदि कोई कर रहा है तो इसका मतलब है ब्लैक मनी होगी नहीं भाई डिजिटल ही कर रहे हो ना तो वो चीजें दिख रही हैं ठीक है दिख रहे हैं ना वहाँ पे अच्छा ये जो यू के माध्यम से चीज़ें होती हैं छोटे ग्राहकों तक चीज़ें पहुँच जाती हैं छोटे जो व्यापारी होते हैं उनके अकाउंट में यानी उनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया समझ रहे हो उनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग इंक्लूजन हो गया पहले क्या थे लोग कमाते थे बैंकों में नहीं रखते थे तो चोरी वोरी हो जाता था ठीक है या यूं कहो को अभी कोई गन पॉइंट पर आके चोरी डकैती का मामला कम हुआ है ना अगर देखा जाए तो कम हुआ है क्यों कैशलेस सारी चीजें ठीक है आजकल के जो बेगर होते हैं हम बनारस के रहने वहां पे एक दो बेगर ऐसे हैं जो यूपीआई आई ऐसे टांग लिए हैं और कहते हैं भैया भीख मतलब भीख मांगते हैं यूपीआई आई डी इसमें दे दो तो मॉडर्न टाइप के बेगर भी हो गए ठीक है ठीके? तो आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि समय के साथ बेगिंग भी परिवर्तित होती रहती है तो समय के साथ हर चीज को आप परिवर्तन करो ठीक है ये समय की मांग है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण बनाया गया कितने बनाए गए ग्यारह दशमलव सात करोड़ घरों में ठीक है तो यह भी एक फैक्ट है उज्ज्वला योजना नौ दशमलव छह करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं यह अपनी उपलब्धियों को बता रही है सरकार कि इतना इतना हमने किया अच्छा संसद में कुछ भी झूठ नहीं होता बाहर आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो रोज का डिबेट होता है उसमें आप कुछ भी बोल दो कोई मैटर नहीं है मगर संसद में आप कुछ भी बोलोगे तो फैक्ट के साथ बोलना पड़ेगा तो ये सारी जो चीजें बोली गई हैं यह फैक्ट के तराजू पर खरी उतरती हैं ऐसा नहीं है कि बस अनुमान लगा दिया अनुमान नहीं है ठीक है तो इसको आप ध्यान दियो 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ के पार और यह एक बिग अचीवमेंट है कि 220 करोड़ लोगों को अगर हम क्या कर रहे हैं वैक्सीन दे रहे हैं वो भी मुफ्त में ठीक है दे चुके हैं अब ये देखो 200 सौ करीड़ करोड़ डोज लोग तो है ही नहीं दो सौ करोड़ हैं क्या कितने करोड़ लोग हैं लगभग 145 करोड़ लोग हैं क्या सारों को टीका लगाए हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है पॉसिबल ही नहीं है भाई छोटे बच्चों को टीका लगा दोगे ठीक है तो उनकी ताकि ये एक गाइडलाइन है ना कि बारह वर्ष से नीचे वालों को अभी तो दिए ही नहीं गए हैं तो ये भी आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कोविड का इंजेक्शन कौन सा था कौन बताएगा और उसको एक चॉकलेट मेरे तरफ से बताओ वाओ ये कौन सा कंपनी है कोविड <laughs> की सबसे पहले वैक्सीन कौन सी थी ऑप्शन <laughs> बिना कुछ बहुत कुछ जिंदगी में ऑप्शन नहीं होते तलाशे जाते हैं कोवैक्सीन रहा चलो आप लोग को नहीं मालूम फाइजर ठीक है फाइजर फाइजर की रिलेवेंस अभी दो तीन महीने में फाइजर की जो दावोश में हो रहा था ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहां पे ये भाई साहब भी पहुंचे थे इनके ओनर ठीक है फाइजर की जो एफिशिएंसी है प्रभाव क्षमता है वह निहायत कम है अब समझो उस टाइम अपनी इकोनॉमी में कट करके जो छोटे बड़े दो देश थे ने उनके कंपनी से फ, क्या किया एलॉटमेंट करवाया या यूं कहो कि पहले से प्री बुकिंग कर दी या बोले कि भाई हम मतलब कम खा रहे हैं अपने यहाँ का बजट थोड़ा कम कर दिए मगर इसका ज़्यादा कर लिए तो कहने का मतलब क्या है कि इथोज हमारे यहाँ भारत में क्या था हमारे यहाँ भी आया था मगर फिर भी अच्छा इनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो गई मतलब मरने की जो फाइजर लगवाया है वो इफेक्ट नहीं है और इफ़ेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है कि फाइजर जहाँ पे लगाए हैं लोग वहाँ कंट्रोल नहीं हुआ कोरोना आफ्टर स्टडी की चीजें हैं, ठीक है तो आप लोग थोड़ा इस सब चीजों के बारे में भी जानते रहो यहां तक चीजें समझाई बच्चा पक्का <laughs> तो फिर छठी हो गई अरे उसके पहले भी कुछ रही होगी ना दसवां बता रहे तो झूठ थोड़ी नहीं बोलेगा आठवीं छठवीं बहुत ऐसी थी ऐसी बात नहीं है थी आ जाओ इस पे एक सौ ये हो गया सैतालीस दशमलव आठ करोड़ प्रधानमंत्री जनधर बैंक खाते खोले गए प्रधानमंत्री जनधर बैंक खाते खोलने के हाँ भारत की एक ही वैक्सीन है सबसे पहले वैक्सीन कोवैक्सीन कोविशील्ड वो तो एक्स्ट्राजेनेगा सेवन के मतलब पैच करके हुई थी जो भारत की स्वयं की वैक्सीन थी कोवैक्सीन पहली बाकी बनी है बहुत सैतालीस दशमलव आठ करोड़ जो है प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत चवालीस दशमलव छ करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया ठीक है अब पीएम सम्मान किसान निधि के तहत ग्यारह दशमलव चार करोड़ किसानों को दो दशमलव दो लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया ठीक है अब नकद हस्तांतरण आप याद करो कोविड का दौर जितने भी स्पोक्स पर्सन अदर, अदर अदर पार्टी के होते थे सब आके बोलते थे कि हाथों में पैसे दो लोगों के रोजगार नहीं हाथों में पैसे दो अगर भारत में हाथों में लोगों के पास पैसे मिले होंगे तो आज का जो महंगाई है उससे कहीं ज़्यादा ग्रसित रूप से हम होते ये सब प्रभाव देखने को मिला अमेरिका में अमेरिका में क्या हुआ कि कोरोना के दौरान उनके खातों में पैसा ट्रांसफर होने लगे जबकि हमारे यहाँ क्या था हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे जितने भी चीज़ें की गई वो अवसंरचनात्मक विकास पर खर्च किए गए या यूं कहो कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं किए ठीक है मास हाँ तो यह भी ए, एक अपने में बहुत बड़ी बात है बजट के साथ अब देखो हाँ? नकद हस्तांतरण मतलब उनके बैंक में डाले गए मगर उस तरीके से नहीं डाले गए जिस तरीके से लोग मांग किए थे अब आ जाओ इधर बच्चा क्या कह रहा है उसके बारे में ध्यान दें जरा बजट की सात प्राथमिकताएं सप्तरीसी अब देखो यहीं से प्रश्न बनेगा हर एक बजट में मोदी जी जब से आए हैं एक नए नए अच्छा बोलते वही है टर्मिनोलॉजी बस अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करने के आकर्षित करने के लिए लोगों को ये सारी चीजें की जाती हैं बहुत अच्छी चीज़ है की भी जानी चाहिए ठीक है सप्तरीसी क्या है यह बजट की सात प्राथमिकताएं लिख लो जल्दी से लिखना चाहो तो समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट सप्तऋषि महत्वपूर्ण है ठीक है पिछले बजट में पीआईएल आया था इसमें सप्तऋषि आया पहला क्या है समावेशी विकास दूसरा क्या है अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच यानी फिजिकली जियोग्राफिकल रूप से हम भारत के अंतिम छोर तक पहुंच बनाए रीच बनाए और अंतिम व्यक्ति तक अपनी रिच बनाए तीसरी चीज क्या है बुनियादी ढांचा और निवेश बुनियादी ढांचा मतलब समझ रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट चौथी चीज क्या है निहित क्षमताओं का विस्तार कि आपके पास जितनी क्षमताएं हैं उसका आप क्या करो विस्तार करो पांचवा क्या है हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट ठीक है और फिर क्या है युवा शक्ति यानी यूथ का पावर और फिर क्या है हाँ फाइनेंशियल एरिया जो जो अंडरलाइन किए हैं यही सात है पहला समावेशी विकास नंबर एक नंबर दो अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नंबर तीन बुनियादी ढांचा और निवेश नंबर चार निहित क्षमताओं का विस्तार नंबर पांच हरित विकास नंबर छह युवा शक्ति और नंबर सात वित्तीय क्षेत्र इन सातों को मिला दो तो बनता है क्या भैया ऋषि ठीक है इन सातों को आप मिलाओगे तो बनेंगे सात ऋषि जिस तरीके से हमारे पौराणिक कथाओं में सप्तऋषि का बहुत योगदान है और उसी तरीके से ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सुधार के लिए वित्तीय शक्ति के लिए गति के लिए यह सप्तऋषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है ठीक है चलो हाँ हर चीज अलग अलग है सात है ना एक दो नहीं कैसे एक दो तीन चार पांच छ और सात ठीक है ठीक है अब देखो अगली बात कह रहा है कि आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम ये सब नए इनिशिएटिव किए गए हैं आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम पादप समझते हो ना पौधा पेड़ नहीं पौधा वृक्ष और पादप में अंतर होता है ठीक है पेड़ नहीं पौधा पौधे को हम समारते हैं संजोते हैं तब वो जाकर एक वृक्ष का आकार लेता है इसीलिए देखो कोई भी टर्मिनोलॉजी का अपना महत्व होता है हर टर्मिनोलॉजी का एक अपना इम्पैक्ट पड़ता है तो पादप मतलब क्या कि हम अपने इकोनॉमी के जो हमारे आत्मनिर्भर स्वरूप हैं ऐसे पादप को हम क्या करेंगे और इनको डेवलप करेंगे और इन पर खाद पानी देंगे वह खाद पानी कैसा होगा वित्तीय स्वरूप का होगा उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि 2200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा जो आपके ग्रीन डेवलपमेंट में सहयोगी होगा ठीक है तो यह भी समझो कि हम अपने रूट को ना भूलें फिर क्या कह रहा है वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा एक चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में एक नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे यानी हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा घोषणा किया गया कि एक नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे ठीक है हेल्थ हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ी बात है तो तीन बातें निकल के आई आत्मनिर्भर पादप योजना कार्यक्रम और बजट की सात प्राथमिकताएं जिन्हें सप्तषी कहा गया यह भी आप जानते रहो यही सब प्रश्न ढेर सारे बनते भी हैं अब आगे बढ़ते हैं भैया क्या कह रहा है आगे कि केंद्र अगले तीन वर्षों में साढ़े तीन लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अड़तीस अध्यापकों तथा तो सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा ठीक है एकलव्य यानी एसटी टी कहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स के सेंटर्ड लोग उनके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी रहने योग्य भी विद्यालय है वहां पर अड़तीस हजार आठ सौ अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाएगा ठीक है अब नियुक्ति किया जाएगा तो रोजगार के अवसर भी सृजन हुए ठीक है अब उसके बाद क्या है पीएम आवास योजना के लिए परिवहन छाछठ प्रतिशत बढ़ाकर पूछता है कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर तो छाछठ प्रतिशत बढ़ाया रेलवे के लिए दो दशमलव चार शून्य लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान अब देखो पूंजीगत निधि ध्यान देना कैसी निधि है ये पूंजीगत निधि है यानी इसका हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से नौ गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है ठीक है पूंजीगत निधि में कितना दो दशमलव चार लाख करोड़ रुपए चार जीरो ठीक है हाँ शहरी और विकास कोष यू आई स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के लिए या माध्यम से होगी इसका प्रबंधन कौन करेगा राष्ट्रीय आवास आवास बैंक आवास बैंक राष्ट्रीय ठीक है नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर टू तथा तो टीयर थ्री शहरों में शहरी और संरचनात्मक के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा यह शहर की जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हुए ठीक है बात बासुद भाई तो इसको हम टीयर जैसे नहीं होता है आप रेलवे में जाओ कभी रेलवे में आप सफ़र करो तो ए के कोचेस होते हैं फर्स्ट जो टीयर होता है सबसे उत्तम वहाँ की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं ठीक है थीके? तो भारत के सबसे उत्तम फर्स्ट टीयर के अगर बारे में बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जिनका डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है ठीक है फर्स्ट टीयर के हो गए सेकेंड उससे थोड़े कम उससे थोड़े कम जैसे लखनऊ हो गया अपने यहां ठीक है थर्ड उससे और कम ठीक है तो इस तरीके से ये पैरामीटर बना के कैटेगराइज किया गया है हाँ। फिर क्या है डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम या बड़े व्यवसाय तथा चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए यहां तक चीजें समझ में आई आगे बढ़ते हैं चीजों को और समझते हैं हा सौ लैब्स की स्थापना की जाएगी किसके लिए फाइव जी के लिए ठीक है और कहा है जिनमें नए अवसर अच्छा है। अगर लैब बनाए जाएंगे तो रोजगार हो सकता है इससे भी बेहतर सिक्स जी भी भाई लैब में क्या है फाइव जी तो हमारा सेंटर्ड है आप याद करो फर्स्ट जी टू जी के और फाइव जी तक ये जो तीन जनरेशन का गैप है इसको हम लोग कितनी तीव्र गति से पूरा किए फोर जी कितने अभी कितने साल हुआ तीन चार पाँच साल फाइव जी आ गए ठीक है तो ये भी देखो अब सिक्स जी के बारे में भी बात कर रहे हैं ठीक सिक्स जी के बारे में भी बात करने लगे हम लोग फिर क्या गोवर्धन ये योजना के तहत दस हजार करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ पांच सौ नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ये भी आपके क्या हो गए ग्रीन इकोनॉमी के तरफ बढ़ने का एक अच्छा खासा सबूत हो गया ठीक है हम्म, ठीक है क्या लिखा है इसका मतलब क्या है ग्लबनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोबर धन गोबर समझते हो ना गोबरे हो क्या बोलते हैं ना ग्रामीण भाषा में वो चलो सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार अपने तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता के लिए क्या होगा यह लगभग दस हजार बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे ठीक है कीटनाशक हो सूक्ष्म उर्वरक हो सरकार जो है हर हर वर्ग तक पहुंचने का अपना जो एक तरीका होता है बजट के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किया देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फोर पॉइंट ओ हां इसे फोर जो आया ना क्या बोलते हो उसको रोबोट तभी से ये टर्मिनोलॉजी रोबोट मूवी आई थी ना रजनीकांत की याद है सबको hmm. हाँ तो रोबोट चिट्टी चिट्टी टू पॉइंट ओ है ना उसमें एक करेक्टर होता है रोबोट हाँ? hmm. तो वहीं से ये टर्मिनोलॉजी निकल के आई टू पॉइंट ओ तो ये बोलते हैं तो ये इसी तरीके से यानी चौथा संस्करण आराम से इसको अगर समझे तो चौथा संस्करण hmm. hmm. हाँ थोड़ा अट्रैक्टिव लगे ना इसलिए अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत पॉइंट ओ से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई रोबोटिक्स जिसके बारे में अभी हम बात किए, और I, बता रहा टी थ्री डी प्रिंटिंग ड्रोन सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे या उसमें शामिल किए जाएंगे क्या है ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है स्किल डेवलपमेंट ठीक है प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट ठीक है कब आया था ऐसी योजना स्किल इंडिया स्किल डेवलपमेंट चलो फिर क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यह भी है महत्वपूर्ण ठीक है स्थापित किए जाएंगे कि हमारे जो हमारे यहां के जो युवा हैं उनके स्किल को हम इंटर करें अंतर्राष्ट्रीय करल बाजार में किस तरीके से हम अपने आप को प्रभुत्व स्थापित करें वहां पे यह बात की गई है ठीक है अब देखो एम एस एम ई यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर होता है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहां पे कह रहा है कि 2023 से कॉप्स में 9000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होंगे उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम के लिए मगर फिर भी आपको समझना चाहिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फर्मों के केंद्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों की त्वरित कार्रवाई के लिए एक केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी यह है महत्वपूर्ण ठीक है ताकि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से है ना यह कंपनी के टर्मिनोलॉजी से क्या कह रहा है कि केंद्र की स्थापना की जाएगी डेटा आने वाला जो युद्ध होगा विश्व युद्ध वो इसी के लिए होगा डेटा हम आपके बारे में जितनी जानकारी रखेंगे आपकी उतनी कमजोरियों से वाकिफ़ हो जाएंगे ना अभी आप लोग शायद ध्यान नहीं देते हो सोशल मीडिया सब यूज़ करते हो करते ही हो गए यूट्यूब सब चलाते हो आप जो गूगल बाबा को सर्च करते हो बोल के कैसे भी टाइप करके आप देखना कि वैसे ही उसी से को की चीज़ें आप जो सोशल मीडिया पे चलाते हो वैसे ही ऐड आने लगते हैं ठीक है किस लिए डेटा आपका डेटा जाता है हम लोग आते हैं तो आंख बंद करके सब कुछ एग्री एग्री कर देते हैं ना थोड़ा पढ़ के एग्री किया करो ठीक है चलेगा ऐसा थोड़ी नहीं, नहीं चलेगा एग्री यानी वो आपका परमिशन मांगता है ऐसा नहीं कि वो आप परमिशन नहीं दोगे तो चलेगा नहीं ठीक है तो कुछ चीजें हमेशा अपने काम की भी होती है वहां पे वो भी देखा करो हाँ अब देखो क्या है वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना से अधिकतम जमा की सीमा पंद्रह लाख रुपए से बढ़ाकर तीस लाख ,00 रुपए हो जाएगी अब राजकोषीय घाटा कितना है लक्षित राजकोषीय घाटा पूछ लेगा कि 2025 से 26 तक के लिए कितना है साढ़े चार प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है ठीक है अब देखो कोरोना का इंपैक्ट कितना पड़ रहा है कोरोना उन्नीस बीस में आया था ना प्रभाव चल रहा है और चलता ही रहेगा निरंतर ठीक है तो यह भी समझा करो भाई रियल में है कुछ दिखाने के लिए नहीं होता नहीं, लिए नहीं। ऐसी बात नहीं है एक तो ऑलरेडी हमारे ऊपर क्या है डेमोग्राफिक प्रेशर बर्डन इतने लोग हो जा रहे हैं हमने क्या क्या बताया था कि पूरे जीडीपी के मात्र दो प्रतिशत लोगों तक ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की नौकरियां पहुंचती हैं दो तरीके के सेक्टर हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज में बचे कितना 98 एट परसेंट एक करोड़ यहाँ की जनसंख्या है अब इतना जनसंख्या सबको रोजगार संभव नहीं है और सरकार दे ही नहीं सकती कोई भी सरकार नहीं दे सकती हम तुलना तो तु कर लेते हैं जल्दी से आप देख लीजिए चाइना का चाइना का जियोग्राफिकल कंडीशन देख लीजिए ठीक है चाइना का कितना पूरे अर्थ का कितने प्रतिशत भाग पर चाइना का है यह भी देख लीजिए ठीक है नहीं मतलब हमारे यहां जियोग्राफी कैसी है वहां की जियोग्राफी कैसी है हमारे यहां की अन्य चुनौतियां कैसी है वहां की भाई एक पैरामीटर पे आप लेके औरों से तुलना करो तो सही सही लगता है ना समझ में आई बात तो तुलना तो करना अच्छी बात है मगर थोड़ा होता है ना कंपेयर विथ कंपेरेबल मतलब तुलना उसी से करो जो तुलना के योग्य हो ठीक है अच्छी बात है अपने से ऊंचे की तुलना करो मगर हमारे फैक्टर बराबर होने चाहिए आ जाओ इस पे। भारत को श्री अन्न के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण आया श्री अन्न ठीक है अच्छा युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स शुरू कर सकें इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी निधि का मतलब होता है फंड अब फंड ऐसे ही लोगों को दिए जाएंगे जो ग्रामीण ओरिएंटेशन में हो जो विलेजेस में हो और उनका उद्देश्य क्या हो एग्री स्टार्टअप यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप हो ठीक है तो उनको क्या क्या दिया जाएगा? लोन वोन दिया जाएगा किस माध्यम से कृषि वर्धक निधि के माध्यम से ठीक है भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा अब देखो स्रियन रागी हा? फसल है ये रागी जानते हो आप लोग जो मोटे फसल है आपके मिलेट ठीक है बाजरा मक्का मकई जिसे बोलते हैं जौ जो, जो मोटे अनाज हैं और मोटे अनाज बड़े ही काम के होते हैं ठीक है ठीके? हम अपनी विरासत को भूल जा रहे हैं हमारे पूर्वज और हमारे आगे वाले जो एंसेस्टर थे वो यही सब खाते थे ठीक है तो उसी को बढ़ावा देने के लिए क्या है अच्छा अब इसका मार्केट इंटर इंटरनेशनलाइज मार्केटिंग भी मोदी जी बड़े अच्छे मार्केटर प्रबंध का उनको बहुत बड़ा ज्ञान है ठीक है और उनके इर्द गिर्द जो उनके लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे से वाकिफ है आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से सजा दो कि मार्केट में जैसे होता है ना किसी किसी आउटलेट में पहुंचो अंदर सब कुछ रखा रहेगा मगर बाहर से आपको दिखेगा नहीं तो आप ओवर क्यूज कर जाते हो वो दिखती ही नहीं चीजें और कहीं कहीं आउटलेट में जाओ तो इतना बढ़िया उसको डेकोरेट कर देता है कि आप शॉप बाहर से भी गुजरो तो एक बार आंखें गई तो वहीं ठहर जाते हो और मन करता है कि जाके देखें यार क्या है तो इसी तरीके से हम आ, मार्केटिंग करते हैं अपने चीजों का तो ये प्रोडक्ट ही है ना तो क्या है श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाए जाएंगे सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली अनुसंधान तथा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा पूछेगा कभी आपको योजना के लिए भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जो है इसका ऑफिस कहाँ है तो कहां है इसका ऑफिस हैदराबाद में ठीक है हाँ प्रौद्योगिकी को अच्छा चलो कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए बीस लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा ठीक है तो बात रही कुछ इसकी अब कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तो बात पीएम मत्स्य संपदा सॉरी संपदा योजना की एक नई उप योजना स्थापित की गई और इस योजना के अंतर्गत क्या बताया गया उस पर हम अपन बात कर लेते हैं ठीक है पीएम मत्स्य मतलब मछली मछली यानी मछुआरों के लिए भी कार्य किया गया ठीक है क्योंकि भारत के जो नीचे के आप हिस्से देखोगे जियोग्राफी में उसके सराउंड में क्या है सी है है ना इधर अरब सागर है बे ऑफ बंगाल है नीचे केरल ओरल में जाओ तो इंडियन ओशन है तो इधर सारे के जो अच्छा सी फूड हम एक्सपोर्ट भी करते हैं यानी मछली उछली का हम पूरा एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसी के लिए बताया गया है विए कि छह हजार हमने क्या बोला चलो छ हजार करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य क्या है मछली पालको देखो आ गया मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है इससे मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक रीच को बढ़ाया जाएगा ठीक है तो इसको भी आप समझते रहो कि एक नई उप योजना हालांकि इससे संबंधित योजनाएं चल रही हैं मगर हाँ हा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है फिर क्या है कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना ये क्या है भाई एग्री टेक उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए और किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा क्या कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि आज के जमाने में सबके पास फोन है और फोन भी एंड्रॉयड है ठीक है तो चलता फिरता बाजार आपके हाथ में है हर चीज़ आप पेमेंट भी कर दे रहे हो आप बार्गेनिंग भी कर ले रहे हो किसी को ना जानते हो तो पहचान भी बन जाती है फोन से तो सारी चीज़ें आप कर पा रहे थे फिर क्या कह रहा है इधर देखो क्या है हाँ सरकार ने 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ तिरसठ हजार प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी कृषि ऋण सोसाइटी समझते हो सोसाइटी बनता है बड़े बड़े जो हमारे यहां सोसाइटी मतलब समझते हो ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है कोऑपरेटिव बोलते हैं इसको क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक है कोऑपरेशन से बनता है आपसी सहमति से बनता है ऐसे तो इसका अब कंप्यूटरीकरण किया जाएगा कस्बों में बनता है जहां खाद वाद मिलता है ठीक है खाद वाद मिलता है ना वहीं पे सोसाइटी बोलते हैं उसको चलो व्यापक विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सुरक्षित भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी अब ये देखो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन एनीमिया किनको होता है महिलाओं को हा? एनीमिया महिलाओं को इससे मॉर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गई है तो इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा कार्यक्रम चलाया जाएगा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन ठीक है अब जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है वही देखे देखा जाए ठीक है बाकी हैं तो बहुत ढेर सारी चीजें समय जितना इजाजत देता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और जो आपको जानना चाहिए उसी पर फोकस करते हैं ठीक है चलेगा बाकी आप ये चीजें हम आपको डाल देंगे उसमें ठीक है देखो क्या कह रहा है अगर हम देखें तो निजी यह अनुसंधान आईसीएमआर जानते हो आप लोग प्रयोगशाला के माध्यम से जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसके ड्रग्स के लिए मतलब मेडिसिन के लिए ठीक है अच्छा ड्रग हम ना दिमाग में नाप लेते हैं तो हमारे लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है कि ड्रग के बारे ड्रग का मतलब होता है दवा ठीक है ठीक है तो इतना भी आप लोग समझा करो थोड़ा चलो आ जाओ दिया। दिया। तो दिया। हाँ तो दवा आज भी आप ज्यादा ले, ले लो नुकसान करेगा पैरासीटामॉल चार खा लो देखो क्या होता है हाँ ड्रग्स का मतलब नशीली दवाई तो नार्कोटिक्स का मतलब क्या होता है चलो डिपार्टमेंट होता है सौरभ जी ने बताया आप लोग थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करके आना ना ठीक है नार्कोटिक्स क्या होता है आप सब बता देंगे टेस्ट होता है। चलो ठीक है देखते हैं सही झूठ का वो तो टेस्ट होता है ना हम नार्कोटिक्स बोले चलो स्वास्थ्य पोषण देखो क्या है विकास संभावना एवं रोजगार सृजन के लिए वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए दस लाख करोड़ का पूंजी निवेश जो निरंतर तीन वर्षों में तैतीस प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है ठीक है तो स्किल इंडिया के साथ साथ खेलो इंडिया हा? खेलो इंडिया भी इनिशिएट इनिशिएशन चला है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यूथ गेम ठीक है तो गेम के ऊपर भी फोकस किया गया है अब देखो 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम किस लिए वित्तीय समावेशन के लिए कौशल विकास एवं आधारभूत अवसंरचनात्मक किसके लिए स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि और जल संसाधन वित्तीय समावेशन इन सब के लिए अगर सरकारी सेवाओं को बढ़ाना है तो 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का एक पायलट योजना चलेगा ठीक है प्रखंड समझते हो ब्लॉक प्रखंड बोलते हैं। ऐसे ही पांच प्रखंड कार्यक्रम आकांक्षी इंस्पायर्ड एकदम इंसपायर्ड चीजें ठीक है वहां पे चलेगी ब्लॉक वॉक मतलब है हाँ समझते हो ना ब्लॉक वॉक क्या होता है अब इसके बारे में थोड़ा आप जानना अब देखो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपए किसके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स ठीक है अनुसूचित जनजाति उन्हीं को कहते हैं ना एक तो होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिर क्या है भैया अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित किया जाएगा ठीक है तो इसके लिए भी आप जा रहा हूं शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बी एड वेड जो लोग करते हो या आप लोग जो यूजीसी नेट के लिए हो यहां से प्रश्न बन सकता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ठीक है तो यह भी आपको जानना चाहिए फिर क्या है भूगोल भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी जो नए नए इनिशिएटिव है नए नए इनिशिएटिव उसको आपको ध्यान देना चाहिए तो एक नया इनिशिएटिव आपको मिला कि राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है भाई उसके बाद क्या कह रहा है कि पहले चरण में एक लाख पुरातन अभिलेख पुरातन अभिलेख ऐसे जो बहुत पुराने अभिलेख हैं उनको डिजिटल एपिग्राफी के लिए भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शन की स्थापना की जाएगी यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो हमारे परंपराएं हैं जो हमारे अच्छे अच्छे महाकाव्य हैं या जो पुरातत्वविद संबंधी क्या हैं अभिलेख हैं पुरातन अभिलेख ठीक है एपिग्राफी उसको हम संरक्षित करेंगे ठीक है उसके बारे में भी यहां पर बात किया गया बोलो फिर क्या है हा? जी आई टैग चलो देख लेते हैं अभी देख लेते हैं आएंगे उस पर भी लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केंद्रित सुविधाएं बेटा आपके पास पहुंच जाएगा ठीक है हाँ तो आई गोट कर्मयोगी का शुभारंभ किया गया आईगोट यह किसके लिए है उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए क्या लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने के लिए आई गोट ठीक है यह भी एक कर्मयोगी यानी भाई क्या है कर्म कर्म से संबंधित है स्किल से संबंधित है तो ये चीजें यहाँ पर चली उसके बाद यदि आगे बढ़ें तो सरकार की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये सब चीजें की गई हैं ये देखो महत्वपूर्ण है कि स्थायी खाता संख्या का इस्तेमाल विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा इससे कारोबार करना आसान होगा पैन को हम पहचान पत्र के इस तरीके से प्रदर्शित नहीं करते थे क्योंकि अब जुड़ गया है यह किससे आधार कार्ड से तो अब इसका इस्तेमाल हम किसके सुविधा के लिए करते हैं आधारभूत मूलभूत पहचान के लिए ठीक है वासु भाई हाँ तो यह भी महत्वपूर्ण एक बदलाव किया गया है चलो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने 2030 तक 5 एम के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा तो यह भी हमको जानना है कि 2030 तक 5 एम के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया राष्ट्रीय हरित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ठीक है इसका उद्देश्य 2030 तक के लिए है चलो जी अब देखो बैटरी आधारित चीजें भी वहां पे हुई हैं और यदि अन्य बात करें तो तटीय पर्यावास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा हरित ऋण कार्यक्रम किसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ठीक है यह भी आपको जानना है देखो अपना देश कहाँ लद्दाख है वो सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है सत्ताईस हजार रुपए करोड़ के साथ निर्मित की जाएगी वो सब लद्दाख का तो है ही अभी हालांकि चल रहा है वहां पे मालूम है एक वांगचुंग थे थ्री इडियट देखा है को जानते हो सब वही वहां पर क्या कर रहे हैं लद्दाख बजाओ एक आंदोलन चला रहे हैं ठीक है पर्यावरण से संबंधित देखना बड़ा इस टाइम न्यूज में है वो देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा ठीक है तो यह भी है महत्वपूर्ण वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कि हमारा जो प्रोग्राम हो विलेज का वह कैसा हो वाइब्रेंट हो मतलब बढ़ा लिखा बढ़ा चौड़ा हो एकदम वाइब्रेट कर रहा हो कैसा हो सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी अगर आपसे कह दे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो किससे है तो आप कहोगे सीमावर्ती गांव के पर्यटन से संबंधित चीजों से है ठीक है तो इसको भी जानना चाहिए राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद अगर यह आए कि इनिशिएटिव सबसे पहले किसने स्टार्ट किया ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अपना यूपी भाई ठीक है ओडीओपी जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ठीक है तो यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने संरक्षित किए गए हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन कर सकें और उन उद्योगों या लघु उद्योगों मध्यम उद्योग माइक्रो लेवल के जो उद्योग हैं उनको भी हम बढ़ावा दे सकें ठीक है चलो व्यापार ये देखो क्या है व्यापार पुनर्वित पोषण के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना की जाएगी किसके लिए व्यापार पुनर्वित पोषण के लिए कि व्यापार में जो वित्त की कमियां होती हैं उनके पुनर्वित यानी उनको पुनः स्टेब्लिश करने के लिए जो एक्जिम बैंक है एग्जिम एक बैंक एक्जिम बैंक समझते हो ना आप लोग उसकी सहायक कंपनी का निर्माण किया जाएगा स्थापना समझते हो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक बोलते हैं एक्सपोर्ट से एक्स ले लिया इम्पोर्ट से आई एम ले लिया बैंक तो जानते ही हो हाँ, आयात निर्यात बैंक ठीक है जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चीजें आ जाती हैं इसका मतलब है क्या कि वह आयात एवं निर्यात से संबंधित समस्त फाइनेंशियल कार्यकर्ता है कौन एक्सिम बैंक और उससे संबंधित पुनर्वित्त की जो चीजें होती है वह यहां पे आ जाएंगी ठीक है ठीक है बोलो भाई हाँ जो मुख्य मुख्य है उसी पे फोकस करेंगे बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके घर पे मोहब्बत से पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है देखो क्या है आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में एक एकल नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा यह सब शुरू नहीं किया गया है शुरू किया जाएगा अब इसका देखना अब आप बजट में तो घोषणा हो गया है अब आने वाले समय में इसको एक फॉर्मल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज वे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है क्या है इसका महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए साढ़े सात प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर दो लाख रुपए तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा साढ़े सात प्रतिशत हालांकि इतना है नहीं कहीं पे मगर चूंकि यह महिला सम्मान है महिलाओं के लिए है तो जो दो लाख रुपए हैं उस पर हम ज्यादा क्या देंगे बचत देंगे अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा ज़्यादा ब्याज लेने के लिए लोग क्या करेंगे अपने पैसे को बैंक में लाएंगे बैंक में लाएंगे तो बैंक उस पैसों का अपने पास तो रखता नहीं है बैंक क्या करेगा बैंक से लोग ऋण भी तो लेते हैं ऋण लेंगे तो उस पैसों को बैंक क्या करेगा ऋण के लक्ष्य में देगा और बैंक उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा भाई बैंक क्या है एक मीडिएटर का, का काम करता है ना ठीक है जैसे हम बैंक हो गए आप आए हम आपको साढ़े सात परसेंट दिए आप, आप ज़रूरतमंद हो आप आप हमसे आप हमारे यहाँ डिपॉजिट किए आप हमसे कह रहे हो कि सर हमको जो है लोन दे दीजिए हम आपसे बोले साढ़े दस परसेंट दो तीन तो परसेंट का हमारा ऑपरेटिंग और प्लस हमारा प्रॉफिट ये दोनों हो जाएगा साढ़े सात परसेंट हम इनको दे दिए तीन परसेंट में हमारी प्रॉफिट हुई अब आप उस पैसे का यूज करोगे ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ठीक है तो ये एक साइकिल बनता है बैंकिंग में पैसे आने का मतलब यह नहीं कि बैंक अपने पास दबा लिया नहीं नहीं ऐसा मत समझो बैंकिंग सिस्टम में पैसे आने से इकोनॉमी आपकी बुस्ट होती है ठीक है बूम करती है चलो यहां तक बात समझ में आया आप देखो अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण ये बजट अनुमान ठीक है बजट अनुमान देखते हैं कि बजट अनुमान 23-24 के लिए कितना है बजट 2023-24 में कुल प्राप्ति और कुल व्यय कुल प्राप्ति और कुल व्यय क्या है राजस्व प्राप्ति है क्या है राजकोषीय प्राप्ति है है क्या ये कुल प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो कुल प्राप्ति कहां से प्राप्त करेंगे भाई राजस्व से ही तो प्राप्त करते हैं तो और कुल व्यय क्रमशः इतना रहा अगर प्राप्ति इतना है और व्यय आपका इतना है तो क्या हो रहा है राज, दोनों को कुल अभी कल अच्छा कल किसी ने याद नहीं दिलाया था मैं इसमें डिफरेंस करना आज आप लोग को याद दिलाना मैं इसमें डिफरेंस पूरा पूरा दे दूंगा ठीक है मगर मैसेज कोई कर देना मुझे ग्रुप में इस पर आओ डिस्ट्रैक्ट ना हो फिर बाद में इसके बाद क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे इसमें क्या है कुल प्राप्ति तो इतना हो रही है मगर आप व्यय इतना कर रहे हो तो कौन सा ग्रेटर अमाउंट है ये वाला कि ये वाला भाई पैंतालीस लाख करोड़ रुपए और सत्ताईस दशमलव दो लाख करोड़ रुपए मिल आपको इतना रहा है खर्च आप इतना कर रहे हो तो घाटा होगा हाँ घाटा तो है ना तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया है निवल कर प्राप्तियाँ अब देखो नेट टैक्स से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां लाख करोड़ रुपए तक का अनुमान है यानी तेईस दशमलव तीन लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा जीडीपी के पांच दशमलव नौ प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि यहां यहां कितना है राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का छह दशमलव चार प्रतिशत है जो बजट अनुमान के अनुरूप है यह तेईस चौबीस के बारे में बात कर रहा है यह संशोधित अनुमान ये तो अनुमान था ना बाईस तेईस का उसके बाद फिर अनुमान लगाया गया बाईस तेईस में कि अब घाटा इतना होगा छह दशमलव चार और देखो हमेशा यही प्रश्न पूछा जाता है कभी लोग इसका उसमें लिख देते हैं उसका इसमें लिख देते हैं तो तेईस चौबीस में पांच दशमलव नौ प्रतिशत बाईस तेईस का जो संशोधित अनुमान है उसमें छह दशमलव चार प्रतिशत क्या राजकोषीय घाटा ठीक है होने का अनुमान लगाया गया 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां ग्यारह दशमलव आठ लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है ठीक है तो यह भी है महत्वपूर्ण और आपको यह जानना चाहिए अब आते हैं भैया प्रत्यक्ष कर ठीक है अब जाएंगे हम लोग स्लैब में जहां पर मध्यम वर्गीय जो क्षेत्र है मध्यम वर्गीय लोगों पर हमारा क्या है फोकस ज्यादा किया गया है इस बार ठीक है जल्दी से इसको क्लियर करते हैं प्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाने के लिए है ये सारी चीजें आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर क्यों लगाया जाता है ठीक है तो इसको आप पढ़ लेना आयकर विभाग अनुपालन को आसान और निर्बाध करने के लिए सुधार करने का सतत प्रयास कर रहा है यह भी आपके लिए है इसको भी आप पढ़ लेना अब देखो नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को पांच लाख रुपए से बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दिया गया यानी ऐसे इंडिविजुअल ऐसे व्यक्ति जिनकी आय सात लाख रुपए वार्षिक है अब वह कोई भी टैक्स स्लैब में नहीं आएंगे और वह जीरो टैक्स उनको देना पड़ेगा टैक्स स्लैब में आएंगे मगर जीरो वाले में ठीक है यानी उनको नहीं देना है और प्रश्न पूछे पहले कितना था यह धनराशि की जो लिमिट थी वह फाइव लाख थी वर्तमान में कितना है सेवन लाख है ठीक है अब देखो नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई यह भी प्रश्न पूछेगा कि स्लैब कितने हैं अब पहले छह थी अब कितनी हो गई पांच पहले पांच लाख रुपए था अब कितना हो गया सात लाख रुपए तो याद करियो देखो स्लैब मतलब होता है ये एक स्लैब हुआ दूसरा मतलब एक अंत एक करना कि हम सौ ले ले रहे हैं और दस दस का एक स्लैब बना ले रहे हैं तो दस तरीके का स्लैब बन जाएगा ठीक है डिवाइड कर देते हैं भाई पूरे व्यवस्था को स्लैब में पार्टीशन घर और बनाए हो अभी मकान बन रहा था स्लाब बोलते हूँ वही स्लैब होता है ठीक है जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं स्लाब समझते हो आप लोग अरे घर छत छत ढलना भाई छत ढाला जाता है स्लैब बोलते हो क्या बोलते हो आप लोग उसको स्लैब ही बोलते हो उसको स्लैब बोलो वो स्लैब होता है एक एक छत मतलब मकान का एक स्लैब फिर उसके ऊपर बनाओ फिर छत मकान का दूसरा स्लैब रहता एक ही मकान है तो कर का सिस्टम मतलब एक मकान समझ लो यह हर तरीके का एक स्लैब है पहला तल्ला बिल्डिंग क्या बोलते हो आप भाई स्टोरी जो बोल दो इस पूरे बिल्डिंग का पहली स्टोरी यह है दूसरी तीसरी चीज तीसरी लिफ्ट में जाते हैं तो बोलते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं ना फ्लोर फ्लोर समझ लो इसको ठीक है चलो आ जाओ नहीं ये जो बोल रहा है हम आपको बता देंगे कि ये क्या कह रहा है सात लाख तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की एक चीज होती है ठीक है उसको इसमें जोड़ दो तो सात लाख ही आएगा ठीक है बताऊंगा टैक्सेशन सिस्टम आप लोग नहीं जानते हो ना डायरेक्ट टैक्स नहीं पड़े हो ना कभी नहीं पढ़े हो ना देखो हम क्या कहते हैं कि टैक्स जो हमको एक क्या करता है एक ऐसा आधार देता है जिसके अंतर्गत क्या करो आप टैक्स के नियमों का पालन करते हुए कैसे कम से कम टैक्स दो यह व्यवस्था करता है टैक्स टैक्सेशन सिस्टम ठीक है अब हमने कहा सात लाख यहां लिखा तो आपने बोला कि सर तीन लाख तक तो कुछ नहीं तीन लाख से छह लाख तक तो, तो पांच परसेंट है हा? मगर तीन लाख से छह लाख तक जो पांच परसेंट रहेगा तो तीन लाख से छह लाख तक कितने पैसे हुए तीन लाख तीन लाख का पांच परसेंट कितना हुआ बताओ जल्दी से पंद्रह हजार हुआ ना तीन लाख से छह लाख तीन लाख से छह लाख कितना हुआ सॉरी तीन लाख से छह लाख छह लाख में से तीन लाख घट्टा तीन लाख बचा तीन लाख का पांच कितना होगा पंद्रह हजार का पांच परसेंट पंद्रह हजार होता है ना और देखो यदि आपका इनकम तीन लाख है तो यदि तीन लाख से छह लाख है तो लाख लाख से, तो तीन से की राशि पे ही लगेगा ना मार्च आपकी जो इनकम है वह कितनी हो गई साढ़े पांच लाख हो गई या चार लाख हो गई चार लाख हो गई तो चार लाख में से आप पहले क्या घटाओगे तीन लाख ठीक है यानी इस पर तो कोई टैक्स नहीं है तो इस ये तो जीरो वाला हो गया आपका लड्डू खाली है लड्डू आपने एक लाख बचा अब इस एक लाख पर देखो विनी जी एक लाख रुपए पर कितना परसेंट लगेगा पाँच परसेंट क्यों क्योंकि ये स्लैब है ना, बीच का स्लैब है तो तीन से छः तीन से छः तो तीन तो ऐसे ही हो गया है अब बचा कितना है एक लाख बचा तो इसी एक लाख पे आप लगाओगे फाइव परसेंट का टैक्स अपने ऊपर कितना आया ये पांच परसेंट यानी पाँच हजार अतिरिक्त पे ठीक है पांच हजार आया इसी तरीके से हमने क्या कहा कि तीन हजार से छह हजार तक जो ज्यादा होगा जो भी आएगा वो पंद्रह आएगा भाई छह लाख अगर आपकी इनकम होगी तो तीन लाख पे तो जीरो हो गया अब तीन से छह लाख वाला जो पैसा बचा यानी तीन लाख उस तीन लाख पे निकालोगे तो पंद्रह हजार आ गया ठीक है मासुन भाई अगर वैसे देखो तो 6 लाख पे 5 परसेंट निकालोगे तो तीस हजार आएगा ठीक है मगर इस तीस हजार में तीन लाख तो पहले ही जीरो वाला हो गया है ना तो वो तो घटा दो जीरो फिर आया ये ये स्लैब है और इस पर पाँच परसेंट चूँकि आपने अभी हमने आपको बताया कि अब क्या है ये सात लाख रुपए तक कितना हो गया है जीरो तो पाँच ये कितना हुआ पंद्रह हजार हुआ एक एक मिनट बता रहा हूं हाँ क्या ऊपर जाए अच्छा ऊपर जाएंगे तो सब कट जाएगा ये जो कर जाएंगे अभी ऊपर चले जाएंगे आप आप यही चाह रहे हो हम ऊपर चले जाएंगे ठीक <laughs> है <laughs> मतलब यहाँ पे भाई चलो चलो देख लो देख लो मतलब देख लो यहाँ पे ठीक है देखो आ जाओ क्या हमने कहा कि छः लाख तक यानी पाँच परसेंट कितना हुआ पंद्रह हजार हुआ ठीक है अब कहानी सात लाख की हम किए हैं अब देखो सात लाख छः लाख से नौ लाख तक दस परसेंट है छः लाख लिखा है ना यहां हाँ अब सात लाख के बारे में बात किए हैं तो एक लाख पे फिर कितना परसेंट लगेगा दस परसेंट और उस दस परसेंट की धनराशि कितनी होगी एक लाख का दस परसेंट कितना होता है हाँ? टोटल कितना हो गया देखो क्या है छ लाख से नौ लाख है और छह लाख से नौ लाख तक कितना है दस परसेंट है आपकी टोटल इनकम कितनी रही सात लाख समझ लो पहले कितनी टोटल इनकम है हमने पहले क्या बताया कि सात लाख तक कोई कमाएगा जीरो देगा बताया बताया था सब कर देता हूँ सब कर देता हूँ सात लाख लिख दिया पहले यह धनराशि पांच लाख की थी जो बंदा पांच लाख कमा रहा था जीरो दे रहा था मगर यहाँ पे कहानी तो कुछ और कह रहा है यहाँ पे कहानी क्या हुआ सात लाख में पहला तीन लाख घटा दिया चलो भाई इसमें तो हमको कुछ नहीं देना है बचा क्या चार लाख ठीक है ठीक है चार लाख यहां पे कितना देना है जीरो लड्डू हो गया चार लाख इस चार लाख में फिर कह रहा है कि तीन लाख से छह लाख तक की जो धनराशि होगी अब टोटल यहां से अगर घटाओगे तो तीन लाख से छह लाख की धन, धनराशि जो होगी वो कितनी होगी भाई चार लाख में तीन ही लाख में बचा तीन तीन छह ना होता है नहीं समझ में आई बात फिर से देखो सात लाख है हाँ तो आपकी इनकम ही सात लाख हम मान दे रहे हैं ठीक और उसको इस स्लैब में हम कर रहे हैं कि जीरो कैसे आ रहा है जीरो ताकि यहां पे तो तीन लाख तक जीरो है और आप सात लाख कमवा रहे हो सर यही आपका प्रश्न है उसी का उत्तर दे रहे हैं ध्यान से देखो सात लाख में से पहले तीन लाख घटा दो पहले तीन लाख घटाया कितना बचा चार लाख मगर इस सात लाख को हम कुछ इस तरीके से बांटेंगे तीन लाख ठीक है सात होना चाहिए फिर तीन से छ तीन से छ होगा ना तो तीन ही लाख ना और इसमें जोड़ेंगे तो छह लाख टोटल हो गया सात लाख चाहिए एक लाख और ये वाला टोटल कितना हुआ सात हुआ हाँ अब इस तीन पे तो जीरो इस तीन पे कितना हुआ पांच तो पांच तो यहाँ पंद्रह हजार हुआ और इस एक पे जो कह रहा है कि छह लाख एक रुपए से लेके नौ लाख तक कितना परसेंट है दस परसेंट तो इसी एक जो लास्ट वाला बच्चा है इस पर दस परसेंट कर लो और वह दस परसेंट कितना होगा दस हजार टोटल आपकी लाइबिलिटी कितनी हुई पच्चीस हजार और यही पच्चीस हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया है पताएंगे वो भी नहीं, है। नहीं नहीं उल्लू नहीं बना रही है ये सिस्टम होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सिस्टम अब आई फाइल करोगे ना तो वही है यही पच्चीस हजार सब लेंगे सब लेंगे ऐसा नहीं है देखो हम सबको छूट नहीं दे सकते ना ये तो आपको ये समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन एक आप आगे पढ़ोगे तो एक होता है निवासी स्थिति पर कर का निर्धारण करते हैं किसका निर्धारण करते हैं कर देता का ठीक है कि आप निवासी हो और ये अनिवासी हैं यह गैर निवासी है ठीक है ठीके? तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाती हैं इसलिए हम 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 अपने नागरिकों को देंगे ना हम अपने लोगों को देंगे ना कि सबको देंगे अल्लाह तो सबके लिए बनता है संविधान का दरवाजा तो सबके लिए खुला है वहां जाकर कोई भी सू कर देगा कोई भी जो है सू मतलब समझते हो ना आप लोग खटखटाना नहीं होता सु मतलब मुकदमा होता है हाँ खटखटा देगा मुकदमे के रूप में ठीक है तो ये पच्चीस हजार रुपये कैसे निकला सात हजार का सात लाख मतलब आया पच्चीस हजार समझ लिए आगे हम आपको बता देंगे कि ये पच्चीस हजार का डिडक्शन कैसे देते हैं हाँ बताइए हाँ 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 वही अभी पच्चीस हजार आपका आपको देना है मान लो तो यही अभी बता रहे हैं भैया सात लाख तक पच्चीस हजार रुपए आपके आप अलग कर लो अब वही पच्चीस हजार का हम आपको छूट दे देंगे पच्चीस हजार आपको देना है आप कागज में दे रहे हो मगर हम गवर्नमेंट है और हम आपको कह रहे हैं चलो हम आपको पच्चीस हजार का छूट दे देंगे छूट दे रहे हैं आगे वही देगा बताता हूं कैसे देगा यहां तक कहानी समझ में आई चलो छे स्लैब समझ लो इसको पहला स्लैब क्या है ये याद कर लो इसको तीन लाख कुछ नहीं तीन लाख से छह लाख पांच परसेंट छह लाख से नौ लाख दस परसेंट नौ लाख से बारह लाख पंद्रह और बारह से पंद्रह बीस और पंद्रह से अधिक जो जाएगा तो डिफरेंस आपको दिख पा रहे हो तीन तीन का डिफरेंस है इधर कितना डिफरेंस है पांच पांच का है ना यहां पर आप देखोगे लास्ट वाले में कितना का हो जाता है दस का ठीक है तो आपको यह जानना है कि तीस परसेंट हाइएस्ट रेट है क्या रेट है हाइएस्ट तीन चलो आंख बंद करो और हमारे साथ बोलो तीन लाख जीरो से छह पांच छ लाख एक रुपए से लेकर नौ लाख कितना दस।, दस और नौ लाख एक रुपए से लेकर बारह लाख कितना पंद्रह बारह लाख एक रुपए से लेकर पंद्रह लाख कितना बीस और पंद्रह लाख से ऊपर जितना आप कमाओगे उसका लगेगा तीस ठीक है स्लैब कितने हुए छ पहले कितना था अब कितना है, अब पहले था, है हाँ गिन लो एक दो तीन चार पाँच छ और पहले कितना था, पहले था पांच भाई पहले पांच, पहले पांच था देखो क्या है छः से घटाकर पांच कर दी गई नई व्यक्तिगत आय कर अरे तो ये जीरो है तो ये तो मानी मानो मत ना इसको पहले कितनी थी जीरो और जीरो वाले को मत मानो ना स्लैब भाई जीरो का कोई स्लैब बनता है नीचे को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं ना और उसके नीचे जाओगे तो कोई फ्लोर नहीं है बोलते हैं ना पहले छे थी एक अब एक घटा दी गई लिखा है ना स्लैबों की संख्या छ से घटाकर पांच कर दी गई और छूट की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया गया पहले यह ढाई लाख रुपए था याद होगा आपको तो ठीक है चलो यहां तक समझ आई अब देखो नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी भो व्यक्ति के लिए पचास हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से पंद्रह हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है हमने क्या बताया था आपको यहां पे क्या कह रहा है पचास हजार मानक कटौती का लाभ देना हमारा तो आ रहा था पच्चीस हजार न यहाँ पर दे कितना रहा है पचास हजार अब समझ में आई बात स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है हम कटौती कर रहे हैं भाई अगर आपका पचास हजार रुपये आएगा तो भी आप क्या करो दे दो मतलब छूट आपको मिलेगा अब सुन में आ गई पचास हजार का मैक्सिमम लिमिट होता है आप कैसे आएगा ये आप टैक्स जब भरोगे हमें हमसे भरना तब हम टैक्स वाला बता देंगे अभी आप बस समझते रहो आप हम आपको अधिकतम छूट पचास हजार रुपए की दे देंगे वह एक रुपये की भी आपके अगर टैक्स लाइबिलिटी एक रुपए हुआ तो आप एक रुपए की छूट ले लो अगर आपको पचास हजार रुपये आ रहा है तो पचास हजार रुपए की छूट ले लो मगर पचास हजार से ज्यादा हम आपको छूट नहीं देंगे नहीं अगवा फिर उसमें भी दे देगा क्या कहा है नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर सैतीस प्रतिशत से घटाकर कर पच्चीस प्रतिशत करने का प्रस्ताव है इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में उनतालीस प्रतिशत तक की कटौती होगी अब ये उसी के बारे में बात कर रहा है फिर देखो क्या कह रहा है गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण पर छूट की सीमा बढ़ाकर पच्चीस लाख ,00 की गई है छुट्टी नगदीकरण मतलब क्या कि जो आपकी छुट्टी उट्टी है ना उसी को कैश में कन्वर्ट करना ठीक है अब महत्वपूर्ण चीजें आते हैं और देखो हाँ वो चीज समझ में आया आपको कर रियायत अब देखो ये क्या है स्टार्टअप द्वारा आय कर लाभ और इससे भी पहले ये समझ लो सहकारी समिति हां सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी निकासी पर तीन करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है ठीक है उसके बाद क्या कहा गया है कि आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख इकतीस तीन तेईस से बढ़ाकर इकतीस तीन चौबीस तक करने का प्रावधान किया गया है किसके लिए स्टार्टअप के लिए, स्टार्ट लिए। ठीक है उसके बाद फिर आपको कहा गया है यहां पर कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए धारा चौवन और चौवन एच के तहत आवासीय गृह यह आप लोग मत समझो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा मगर जान लो कि धारा चौवन और चौवन एच होता है हम पांच हेड बताए थे आप लोग को याद है इनकम टैक्स निकालने का पहला इनकम फ्रॉम सैलरी दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी है उसी में ये आएगा ठीक है और तीसरा इनकम फ्रॉम बताओ बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये पांच हेड होते हैं याद कर लो इसको नहीं याद है तो सुने रहो मालूम हो जाएगा किसी से पूछ लियो ठीक है चलो अब अब आते हैं हाँ ये देख लो गैर पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भार पर टीडीएस दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया अब मार्केट लिंक्ड डिमेंचर से प्राप्त आय कराधान के अंतर्गत होंगी यह भी है डिमेंचर कॉमर्स वाले जो जानते होंगे वो समझते हैं डिवेंचर जैसी चीज होती है मत जानो इसको काम की चीज नहीं है आपके बता दूंगा क्लास खत्म होने के बाद वस्त्र और कृषि को छोड़कर अब देखो यह अप्रत्यक्ष कर लगा जीएसटी है ना क्या बोल रहा है टाइम है ना अभी चलो क्लास बहुत लंबी हो जा रही है फिर भी बताऊंगा वस्त्र और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को इक्कीस से घटाकर कितना कर दिया गया तेरह किया गया उसके बाद क्या है कुछ वस्तुओं में परिवर्तन हुए खिलौने मोबाइल इनमें मामूली अधिभार में परिवर्तन हुआ परिवर्तन मतलब किसी में बढ़ा है किसी में घटा है सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पाद शुल्क छूट देने का प्रस्ताव इसका मतलब क्या है कि बायोगैस पे चीजें सस्ती होंगी फिर क्या है बिजली से संचालित वाहन में लगने वाले लिथियम इन पर सीमा शुल्क को, को बढ़ाकर इतना तक किया गया लिथियम कैपिटल गुड्स पर तो यह भी समझो कि अब ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब डिमांड ज़्यादा बढ़ता है तो चीजें महंगी नहीं होगी हमारे ये होता कहां है चलो हरित मोबिलिटी को और सम्यक प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु और मशीनरी के यहां पर लगाया है के, यहां पर उसी को दे दिया है छूट ठीक है तो अल्टीमेटली लगाया किस पे है, तो है भैया सुनो अल्टीमेटली लगाया किस पे है उद्योगपतियों पर ठीक है ध्यान दे रहा इधर तो कह रहा है कि हम शुल्क लेंगे बढ़ा बढ़ा देंगे और इधर घटा दिया ठीक है तो ये चीजें कहीं कहां घटा के कहां बढ़ाते हैं ये चीजें कोई गलत इंपैक्ट नहीं है सब सही है अरे आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदते हो आप खरीदते हो ना और बनाने वाला लिथियम आप, आप लिथियम खरीदते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो व्हीकल खरीदते हो तो वो बनाने वाले के ऊपर है ना विनिर्माण है ना ठीक है भैया तो शुल्क भी तो, सोल कभी तो दे रहा है दूसरी वाले लेनी क्यों नहीं पढ़ रहे हो छूट है कि नहीं है उसमें उसी के साथ दूसरी लाइन भी तो है वो भी तो पढ़ लो ठीक है एक जगह छूट दे रहा है एक जगह ले रहा है कुछ नहीं फिर भी कुछ मत समझो ज्यादा चलो टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जो पर जिस जो घटाया है वो चीजें सस्ती होंगी जो बढ़ाया है वो चीजें महंगी होगी इससे आप देख लो ठीक है अब देखो, अधिनियम उन्नीस अधिनियम 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से नौ महीने की समय समय सीमा जो है निर्दिष्ट की गई और उसी के आधार पर एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी जैसे सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित प्रावधानों के दायरे में लाया गया क्या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया ठीक है ये सारी चीजें इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है ठीक है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से देखो जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरुआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया तो यह भी महत्वपूर्ण है ठीक है यह भी जानना है और क्या है कुछ अपराधों को कितना है कंपाउंडिंग कर राशि की वर्तमान पचास से डेढ़ सौ प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर पच्चीस से सौ प्रतिशत किया जाएगा तो ये तो पूरी कहानी रही किसकी की हाइलाइट्स ऑफ बजट की अब जल्दी से चलो कोई बात नहीं अब इसके आगे की कहानी हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे या दस मिनट में कर ले